हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो सुबह के ठीक 4 बज गए हैं और आज जो है ना 4 बज के जब 4 नहीं बजे थे तो उससे पहले जो है ना मेरी आँख खुल गई है। अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी को देव उठने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है तुलसी विवाह, तो आज जो है ना हम सब पूजा करेंगे और सब काफ़ी लोग भी करेंगे। आज के दिन जो तुलसी विवाह है वो करेंगे। तो अभी मेरे घर का ना काम तो वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो अभी मैं बस बाहर राउंड लगाने के लिए आई थी। अच्छा, वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो जब भी आप बाहर निकलिए तो प्लीज़ अपना जो मास्क लगा कर निकलिए, क्योंकि ये जो पोल्यूशन है ना ठीक नहीं है, सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है और जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो मैंने चला लिया है यहाँ पर भजन और मैं भजन सुन रही हूँ। आज मैंने अपने हस्बैंड को भी थोड़ा जल्दी उठा दिया है क्योंकि पूजा करनी है और हम सोच रहे हैं पूजा जो है ना थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ताकि आरना भी हमारे साथ जो है ना वो साथ में पूजा कर ले, क्योंकि उसका जो स्कूल है वो 10 बजे का हो गया है और 10 बजे से पहले पहले हम पूजा कर लेंगे। तो वो ना अभी बस मैं उनको उठा कर आई थी। गीज़र भी मैंने ऑन कर दिया था, जैसे ही जब मैं उठी थी वैसे ही मैंने गीज़र भी ऑन कर दिया था। तो वो नहाने के लिए गए हैं। अच्छा, मैंने झाड़ू पोछा सब मैंने कर लिया है। तो रात को ना थोड़ा बहुत जो सामान होता है पूजा का वो हम लेकर आए थे, जैसे कि चुन्नी हो गई, पूरा सिंगार हो गया, तो वो सब चीज़ें लेकर आए थे। तो सारी चीज़ें जो है ना डाइनिंग टेबल पे ही रख दी है। एक्चुअली क्या होता है ना, हम जो भी चीज़ें लेकर आते हैं ना डाइनिंग टेबल पे ही रख देती हैं। तो डाइनिंग टेबल मोस्टली ना ऐसे ही थोड़ा बहुत सामान रहता ही है, मैं उसको कितना भी क्लीन कर लेती हूँ फिर भी वही होती है ना, एक आदत सी हो जाती है कि कुछ भी लेकर आते हैं कि हम डाइनिंग टेबल पे ही रख देते हैं। वैसे मैं उसको साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी वैसे ही हो जाती है। अच्छा, मेरी जो है ना वैसे घर का काम हो चुका है और सुबह एक्सरसाइज थोड़ी सी आज मैंने थोड़ी सी की है, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी तो मैंने बस थोड़ा सा राउंड लगा लिया है और बटरफ्लाई और जो मेन जो होती है ना एक्सरसाइज, जैसे कि पोंछा बैठ के लगाना और डक वाली जो एक्सरसाइज होती है वो मैंने वही करी थी बस। तो यहाँ पर भी देखिए, मैं आपको दिखाई रही हूँ पूरी डाइनिंग टेबल की हालत क्या हो रखी है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर में ही साफ़ करूँगी आराम से फ्री होने के बाद। तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैं बनाऊँगी खीर और खीर बनाऊँगी मैं समा के चावल की, क्योंकि आज एकादशी है ना, तो आज के दिन जो है ना चावल नहीं खाते हैं ना ही बनाए जाते हैं। तो मैं इसलिए जो है ना समा के चावल ही यूज़ करूँगी खीर में, तो वही बनाऊँगी। वैसे ना मुझे समा के चावल की जो खीर है ना वो मुझे थोड़ी सी कम पसंद आती है, वैसे चावल की ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो वो आज के दिन नहीं बनेंगे तो फिर कोई बात नहीं। और थोड़े से आज मैं बनाऊंगी पास्ता, क्योंकि आज मेरा को पास्ता खाने का थोड़ा सा मन हो रहा है और थोड़ा सा चटपटा ही बनाऊंगी, क्योंकि आजकल जो है ना मुझे चटपटा खाने का मन मेरा जो है ना करने लगा है। तो अभी तो नहीं बनाऊंगी मैं, तो बस अभी मैं उसको उबाल के मतलब थोड़ा सा उबाल देती हूँ, ताकि आरना को भी मैं उसको टिफ़िन में भी दे दूँगी और अपने लिए भी बना लूँगी पास्ता। तो अभी मेरा जो किचन का काम है वो अभी स्टार्ट हो गया है। दूध अभी आया ही नहीं है, तो अभी देखने गई थी दूध भी नहीं आया है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि आप जो ग्रहण के लिए जो बोला था ना, तो मैंने पूछ लिया है ग्रहण के लिए, तो जो ग्रहण है ना वो 2:39 पे स्टार्ट हो रहा है। वैसे हमें दिखेगा नहीं बट लग जाएगा 2:39 पर, और ख़त्म हो रहा है वो 6:46 पर ख़त्म हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे हैं ग्रहण के ऊपर। और आप सब अपना ध्यान रखिए, ग्रहण में जो जो होता है वो सब आप फॉलो कीजिए, है ना। और जो प्रेग्नेंट हैं वो तो बिल्कुल रखेंगे अपना ध्यान। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें देखिए ना हम कुछ खाते हैं और सिर्फ सीधे ही बैठे रहते हैं, तो कुछ भी नहीं करना होता है हमें, बस आप मंत्र पढ़ लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो मेरे हस्बैंड भी पूजा कर रहे हैं उनके साथ, बस मैं नहाने ही जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो वो आरती कर रहे हैं तो उनके साथ मैं भी आरती शुरू कर देती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर मैं नहाने के लिए जाती हूँ। तो देखिए वो बस मैं नहा कर आई थी तो वो पूजा की तैयारी भी शुरू करने लग गए हैं। मैंने आरना को उठाया बट वो अभी उठी नहीं है, क्योंकि उसको अभी बहुत तेज़ वाली नींद आ रही है। तो तुलसी विवाह की तैयारी जो है ना वो लगभग पूरी हो चुकी है, तो अभी हम पूजा करने जा रहे हैं और मुझे इतनी तेज नींद आ रही है ना क्या बताऊँ, क्योंकि वही सुबह 4 बजे भी उठ रही है ना, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे। तो हम सोच रहे हैं कि सुबह ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर बीच में मुझे आराम मिल जाएगा और आज मुझे बहुत सारे काम भी है, इसलिए जो है ना हमने सुबह के ही टाइम जो है ना पूजा ही कर रहे हैं और उसके बाद जो फिर खाने पीने की तैयारी करूँगी मैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं, तो भी मैं ये करने अभी हम ये कर कर आते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद जो है ना फिर मैं अभी खाने की तैयारी बनाऊँ
खाने की तैयारी, मीन्स जो आने का लंच है वो तैयार करना है। वैसे मुझे तो 10 बजे जाएगी वो, तो उससे मैं सोच रही थी कि पहले मैं पूजा कर रही थी आराम से, फिर मैं उसके लिए लंच वगैरह तैयार कर दूँगी, और उसके जब जाएगी तो थोड़ा सा मैं सो जाऊँगी। पर मैं सोच रही हूँ कि सो नहीं, थोड़ा सा और काम है आज, मुझे काफ़ी सारे काम है आज। मैंने कपड़े भी वॉश नहीं किए हैं, क्योंकि जहाँ पर मेरी मशीन रखी है वहीं पर ही हम जो है ना पूजा करेंगे। जब पूजा हो जाएगी अच्छे से, फिर उसके 1-2 घंटे बाद जो है ना फिर मशीन लगाऊंगी। तो देखिए सारी तैयारी जो है ना लगभग हो चुकी है, तो अभी चलते हैं पूजा करने के लिए। अच्छा, तो मेरी यहाँ पर हो गई है पूजा स्टार्ट, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मतलब मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है जब हम इस तरीके की पूजा या कुछ भी करते हैं ना, तो मन को ना एक अलग सी ही शांति मिलती है, मतलब बहुत अच्छी वाली जो है ना फीलिंग आती है अंदर से। और इस बार जो है ना मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ जो है ना वो मतलब उन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं इस बार नहीं रख कर पाई हूँ जो कार्तिक जो स्नान होता है वो नहीं कर पाई हूँ, तो इस बार जो है ना हस्बैंड ने मेरा साथ दिया है तो उन्होंने मेरे बदले किया है। तो अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसमें 108 बार करते हैं परिक्रमा, और मंत्र पढ़ते हैं ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये वाला मंत्र पढ़ते हैं वो भी 108 बार। थोड़े से गीले हैं, और मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाए हैं ये क्या कहते हैं हिमालय का है एक, ये है स्क्रब और ये है फ्रेश पेक। तो ये मुझे ना आज मैं सोच रही हूँ ये सारी चीज़ें जो है ना कर लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, और उसके बाद जो है ना जब बेबी हो जाएगा तो मैं कुछ महीनों तक बाहर भी नहीं निकल पाऊंगी। तो सोच रही हूँ कि सारे काम जो है ना मैं आज जो है ना कर लेती हूँ। तो थ्रेडिंग भी आ रही है मेरी, तो थ्रेडिंग भी बनवा के ला जाती हूँ, और फेशियल वगैरह भी कर लेती हूँ। तो फेशियल वगैरह जो है मैं घर पर ही कर लेती हूँ, थ्रेडिंग के लिए मैं बाहर जाऊँगी, तो जब आरना आ जाएगी तब जाऊँगी मैं, क्योंकि उसको लेकर जाऊँगी, और 2-4 मेरे जो काम भी है तो वो भी बाहर के जो है निपटा भी लूँगी, और मेरा 2 काम भी हो जाएंगे, फेशियल भी हो जाएगा, जो काम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अभी जा रही हूँ स्क्रब करने के लिए, फिर मैंने सोचा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर एक तो थ्रेडिंग भी आ रही है, और फिर मैं कुछ महीनों तक मतलब 1 महीना तो घर में ही रहूँगी, और फिर और ज़्यादा आ जाएगी। तो उससे अच्छा है कि मैं, एक तो मेरी वैसे ना काफ़ी लाइट भी है तो इतना पता चलता नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ चलो मैं करवा लाती हूँ और फेशियल वगैरह भी कर लेती हूँ, ताकि ये जो काम है ना इन सब कामों से भी फ्री हो जाती, इन सब कामों से जो है ना मैं फ्री भी हो जाऊँगी और थोड़ा सा ठीक भी रहेगा। वैक्स जो है ना, वैक्स मैं खुद से कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं बाहर से नहीं करवाऊँगी, मैं खुद से कर लेती हूँ। और मेरे पास जो है ना वैक्स वैक्स भी रखी हुई है, और उसकी जो है ना स्ट्रिप भी रखी हुई है। तो ये सारे काम मैं आज ही अपने ख़त्म करूँगी। और आज एक काम रह गया, जब मैंने ये मंगवाए थे तो अपने हस्बैंड से ना, मुझे ना वैसे मैं बालों में मेहंदी लगाती हूँ, बट मैं इस टाइम पर मेहंदी नहीं लगा रही हूँ, तो मुझे लगाना था कलर, और कलर वो रह गया, तो मैं कलर मैं लगाऊंगी संडे को। मैं संडे को लगाऊंगी कलर। तो उसके बाद वैसे तो खैर इतना पता नहीं चल रहा है, क्योंकि 1-2 थोड़े बहुत ना जो 1-2 बाल होते हैं ना वाइट से ना आगे दिखाई देते हैं, तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं कलर भी लगा लूँगी, बट रह गए कलर वो संडे को लगाऊंगी, बाकी ये सारे काम मैं आज ही ख़त्म कर लेती हूँ, कि टाइम इतना है नहीं इसलिए। और नींद बहुत तेज वाली नींद आ रही है मुझे, तो अभी मैं ये थोड़ा सा फेशियल करवाती हूँ, स्क्रब करवाती हूँ, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि अभी कम से कम 2 घंटे की नींद ले लेती हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, और आरना को अभी लाने में टाइम है, इसलिए मैं जाती हूँ, पहले मैं स्क्रब करती हूँ। तो मैं स्क्रब कर रही हूँ, और ना वैसे पहले मैं ही कर रही थी स्क्रब, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जब मशीन रखी है तो उससे कर लेती हूँ, उससे कर लेना, तो फिर मुझसे हुआ ही नहीं, तो ये मेरा मेरी हेल्प करवा रहे हैं, तो मैं उनको बोल रही ऐसे यहाँ करो यहाँ करो, तो वो कर रहे हैं। अच्छा, जब मैं ये सारी चीज़ें करवा रही थी ना, तो बहुत अच्छी वाली नींद आ रही थी मुझे यहाँ पर, क्योंकि एक तो मैं सुबह की भी उठी हुई थी, तो काफ़ी तेज़ वाली नींद आ रही थी, मैं सो भी गई थी। जब ऐसे कोई मसाज करता है या बालों में ऑयल लगाता है ना, तो बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छा, मेरा जो है ना फेशियल वगैरह सब हो गया है, मैं घर में ही कर लेती हूँ, बट आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया है, थोड़ा जल्दी जल्दी था इसलिए। और मेरे पास अब नहीं, जो मैंने आपको दिखाया था ना फेस पैक, कभी कभी ना जुबान फिसल जाती है, तो वो मैं लगा रही हूँ, और जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद जो है ना फिर मैं उसको वॉश कर लूँगी। और आरना आ गई थी, उसके आने के बाद उसको मैंने खाना वगैरह खिलाया, और मैंने थोड़ी देर 1/2 घंटे के लिए मैं थोड़ा सा ना सो भी गई थी। उसके बाद फिर मैं आरना आई, खाना वाना खिलाया उसको, और फिर मैं पार्लर आ गई हूँ, और मैं बस अभी आईब्रो बनवा रही हूँ,
घर के कामों के साथ साथ ना हमें थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, शादी से पहले क्या था, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, आरना भी नहीं हुई थी, जब शादी हो गई थी आरना भी नहीं थी, तब भी मैं कुछ ना कुछ मतलब हर महीने जो है ना मैं फेशियल करवाती रहती थी, बट जब से आरना हुई है ना तो अपने ऊपर मैं ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि घर के काम इतने हो जाते हैं, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर पूरा पूरा फोकस जो है ना बच्चे के ऊपर हो जाता है। इस वजह से कोई मैं अब तो ये सारी चीज़ें ना छूटी गई है समझ लो, बहुत मुश्किल से जो है ना ऐसा टाइम मिलता है, फिर भी निकालना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है निकालना पड़ता है, तो आज मैंने निकाला है अपने लिए कुछ घंटे अपने लिए, तो वो सब हो चुका है। अच्छा, शाम का टाइम है क्योंकि वहाँ से आने के बाद हम सो गए थे सब, तो अब उठे हैं तो आरना को मैं दूध भी दे रही हूँ क्योंकि उसको भूख लग रही थी और मुझे भी साथ में भूख लग रही है, तो थोड़ी सी मैं चाय का पानी रख दिया है। अच्छा, आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।